सो ही व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहा हूँ बोया का बाय M1 माइक, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मिक है। तो मैं करता हूँ इस अनबॉक्स और बताता हूँ आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस। लेकिन हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर पहले मेरे चैनल पर हो तो सिंपली सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लो, ताकि मेरी वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो जल्दी से आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये माइक मंगाया था अमेज़ॉन से। अगर आपको भी परचेस करना है तो मैं आपको इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तो मैं करता हूँ जल्दी से बॉक्स की सील को ब्रेक, और आप कर दीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस बॉक्स की सील को ब्रेक करने के बाद हमें सबसे पहले देखने को मिलता है अपना माइक का बॉक्स, और हमें बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स के ऊपर लिखे हुए कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में। सो गाइस नीचे लिखा हुआ है कंपेटिबिलिटीज़ की, मतलब ये किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो सकता है, और बीच में लिखा है सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशंस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, और साइड में लिखा हुआ है बाय M1, क्योंकि ये बोया कंपनी का बाय M1 मॉडल है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। और दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है एक बॉक्स जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जो ये आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है ये ओरिजिनल है या नहीं। गाइस साइड में भी लिखा हुआ है बाय M1, और लिखा हुआ है फॉर स्मार्टफोन्स, कैमकॉर्डर्स, DSLRs, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एटसेट्रा, और नीचे बना हुआ है इसका लोगो बोया की ब्रांडिंग के साथ। और गाइस बॉक्स की दूसरी साइड में लिखा हुआ है लेवलियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रेविट। सो गाइस अगर पीछे की बात करें तो पीछे लिखे हुए हैं इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस, आप वीडियो को पॉज करके ये सब आप पढ़ सकते हैं। और हाँ गाइस वेरी वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड से बहुत सारी नॉइज आ रही है। तो गाइस अब जल्दी से इस बोया माइक को अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद गाइस हमें सबसे पहले देखने को मिलती है एक वारंटी बुक और एक पाउच, और बॉक्स में हमें और कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक वारंटी कार्ड या वारंटी बुक भी बोल सकते हैं, और पीछे की तरफ इसमें कुछ पॉलिसीज लिखी हुई हैं वारंटी की। तो गाइस चलिए अब रखते हैं इसे साइड में और देखते हैं क्या है इस पाउच के अंदर। तो पाउच पे बना हुआ है लोगो और बोया की ब्रांडिंग भी है। तो गाइस सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल इस माइक को यूज़ करने के लिए। वैसे हाँ यार गाइस, अगर आपको इस माइक को यूज़ करने का तरीका नहीं पता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अभी इसे भी रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या क्या चीज़ हैं पाउच के अंदर। तो पाउच के अंदर हमें दो चीज़ देखने को मिलती हैं, एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट और अपना प्यारा सा माइक, और ये हैं थोड़ी खट्टी मीठी गोली जो कि अगर आपको भूख लगे तो आप खा सकते हैं फाड़ के। मैं मजाक कर रहा हूँ, खा मत लेना वरना मर जाओगे। सो गाइस अब देखते हैं क्या है इस पैकेट के अंदर।
प्लास्टिक पैकेट। सो गाइस, हमें सबसे पहले इस प्लास्टिक पैकेट के अंदर देखने को मिलती है एक छोटी सी LR44 बैटरी जो कि मिक में यूज़ होगी, और फिर हमें देखने को मिलता है एक 1/4 अडैप्टर। और हमें देखने को मिलती है एक लेपल क्लिप, और हमें देखने को मिलता है एक बोया की तरफ से क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, और फिर हमें लास्ट चीज़ देखने को मिलती है एक फोम विंड स्क्रीन। गाइस, अगर बात करें बैटरी को इंसर्ट करने की तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं केबल कंट्रोलर की, तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, कैमरा और स्मार्टफोन। और हाँ गाइस, पूरी वीडियो इसी मिक्स रिकॉर्ड हो रही है, तो आप सोच सकते हैं इसकी वॉइस कितनी अच्छी है। और गाइस, अगर बात करें केबल की लेंथ की, तो केबल की लेंथ बहुत ही बड़ी है, ये लगभग 20 फीट के आसपास है केबल इसकी। दोस्तों बस आज की वीडियो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे गाइड गैंग के मेंबर बन जाइए। और हाँ गाइस, आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, और इस महीने में प्लीज़ यार 200 सब्स तो करवाए दीजिए यार।